देश में पत्रकार भी दो तरीके से बढ़ गए हैं, कुछ लोगों ने बांट दिया है। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या न्यायपालिका पर टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे तरीके से उन्होंने बात कही है कि न्यायपालिका से विश्वास लोगों का डगमगाने के लिए उन्होंने ये समझ लीजिए तीली लगाई है। किरण साहू के घर में 300 करोड़ रुपए निकल आते हैं, आपने उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं खोल के रखी। कुछ लोगों को कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के पत्रकार है। सबसे पहले दीपक शर्मा जी को ये समझना चाहिए कि फैसला एक दिन का नहीं होगा। आप अपनी पत्रकारिता खुद तो देखिए, मैं इनके जुड़े लोगों को बोलता हूँ, क्या आप इनकी एक तरफा बात को क्यों सुन के चलते हैं। नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाली। साल खत्म होते होते और 2024 का आगाज होते होते एक बहुत बड़ा फैसला आया। ये फैसला था देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर। दरअसल गौतम अडानी पर ये आरोप लग रहे थे लगातार, और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर भी कहा जा रहा था कि वो हलाला का पैसा ले रहे हैं। हालांकि जब सुप्रीम फैसला आया तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी को राहत मिली और गौतम अडानी ने सत्यमेव जयते करके कई पोस्ट भी किए, सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा हुई। और अभी अगर हम देखें तो गौतम अडानी देश में सबसे टॉप पर बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, मुद्दा देश का आप देख रहे हैं। और क्योंकि देश की बात है, क्योंकि बात संविधान से जुड़ी हुई है, बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल हरीश जी, बात यह है कि देश में पत्रकार भी दो तरीके से बढ़ गए हैं, कुछ लोगों ने बांट दिया है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के पत्रकार है। इन्हीं में से एक वीडियो कल अपलोड हुआ और ये वीडियो अपलोड किया मशहूर पत्रकार, पुराने पत्रकार, बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने। और दीपक शर्मा ने सीधे तौर पर कटघरे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही लाकर खड़ा कर दिया। जैसा कि काजोल आपने बताया कि सीजीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह करता है, पहले तो सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या न्यायपालिका पर टिप्पणी की जा सकती है। बीच बचाव करते हुए, जैसे हमारी पत्रकारिता में कई क्वेश्चन मार्क करते हुए, नौकरी बचाओ जिसे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये सब बचाते हुए हम क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, जिस पर पूरे देश को, संविधान को, सबको भरोसा होता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही फैसला देंगे। सबसे पहले दीपक शर्मा जी को ये समझना चाहिए कि फैसला एक दिन का नहीं होता। फैसला एक दिन में कभी नहीं आता कि आज कोर्ट में कोई केस दाखिल हुआ और कल उस पर फैसला आ गया। आप आज एप्लीकेशन देंगे, कल आपको सुनेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, पूरा ट्रायल का पूरा मौका दिया जाता है, जिसने कंप्लेंट करी है उसको भी, जिसकी कंप्लेंट हुई उसको भी, पूरा एक मौका दिया जाता है। इसके पीछे एक सिस्टम है। सिस्टम आप कई बार आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट ट्रायल कोर्ट बने हुए हैं, कई बार ऐसे 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 मौक़ों पर जहाँ हमने दिल्ली में रेप कांड के ऊपर हमने फास्ट ट्रैक, उस पर फास्ट ट्रैक में भी 2 से 3 साल लग गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से जबकि सामने हमें पता है कि ये आदमी अपराधी है और इसने कई लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं, और ये अपराधी होने के बावजूद कोर्ट तब भी उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि आपको फांसी की सजा दी जाती है। पूरा मौका एक ट्रायल प्रोसेस है, उसको पूरा मौका दिया जाता है, उस पर वकील नहीं है तो उसको वकील दिए जाते हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, ये सरकारी वकील है सरकारी खर्चे पे। तो ये जो दीपक शर्मा जी ने फैसला सुना दिया, बिल्कुल ऐसे तरीके से उन्होंने बात कही है कि न्यायपालिका से विश्वास लोगों का डगमगाने के लिए उन्होंने ये समझ लीजिए तीली लगाई है कि सीजीआई चंद्रूर साहब बड़े अच्छे अच्छे फैसले ले रहे थे, उन्होंने मणिपुर पे उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी तो क्या कोर्ट को इस पे आना पड़ेगा। वो कोई कोर्ट में केस नहीं था, वो एज अ जिम्मेदारी कोर्ट ने अपना इंटरवेन करा था उसको और तब जाकर उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी। जो फैसले उन्होंने पहले आए या उन्होंने कमेंट किया, कमेंट करना और फैसले देना ये दोनों अलग अलग चीज़ें।
सीजीआई कमेंट कर सकता है किसी भी मामले में, पर फैसले के लिए एक प्रोसीजर है पूरा। और वही मैं जैसे मान लो अडानी का मामला आया, अडानी का मामला कोई एक दिन पहले रखा गया मामला नहीं था, उसके बकायदा उसके इन्वेस्टिगेशन भी, उस पर इन्वेस्टिगेशन पे वो कोर्ट ने कहा कि हम इंटरविंग नहीं करेंगे भाई। तो इसमें गलत क्या कहा आपने? किसी एजेंसी को अगर आपने हायर किया है और गवर्नमेंट ने उसको हायर किया है कि आप इनकी जांच कीजिए, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इंटरविंग नहीं करेंगे, तो इसमें गलत क्या था? तो अब उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को कटघरे में खींचते हुए और ये कह दिया कि चंद्रचूड़ साहब तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, हमें लगा कि सरकार उनसे डरी हुई है, सरकार को कोई खींचने वाला, कमर कसने वाला कोई व्यक्ति हमें मिल गया है। उन्होंने भी तथ्य देखे होंगे, उन्होंने भी सब चीज़ें देखी होंगी, देखने के बाद उन्होंने कोई फैसला अगर अडानी के फेवर में चला गया तो क्या उनकी उनकी मतलब भावनाएं या उनके चरित्र, उनको सबको उन्होंने एकदम से क्वेश्चन मार्क कर दिया कि ये तो रामनाथ कोविंद के घर गए थे, वहाँ पर आपके अमित शाह जी का भी आना जाना है, और इस तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये उनके शब्द थे और कहे सब कुछ वही रहे, आग में घी का काम वो कर रहे हैं, कहे सब कुछ वही रहे हैं, पर उसके बावजूद उन्होंने लास्ट में अपने आप को नौकरी बचाओ क्वेश्चन मार्क अपोस्ट्रोफी के साथ उन्होंने छोड़ दिया। क्या मैं वे काजोल आपकी बात, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें, आप कभी मैं दीपक शर्मा जी से या कई ऐसे इनके मंत्रिबंधु और हैं पत्रकार, क्या देश में मैं बोलता हूँ सरकार के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है मैंने कह दिया, हमारा काम है सरकार जहाँ जहाँ काम करेगी, हमें शाबाशी देने का शौक नहीं है किसी सरकार को, शाबाशी देने के लिए आपको नहीं बोला है हमने कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है आप शाबाश, आपको वोट दिया आपको काम करना पड़ेगा, आप गलत करोगे हम आपकी टांग खींचेंगे, ये पत्रकारिता का धर्म है। पर आप विपक्ष को कभी कहीं कटघरे में खड़ा नहीं करते, क्या आपको प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा इनके ऊपर के केस नज़र नहीं आते? कभी आपने इनके ऊपर चर्चा नहीं की? रॉबर्ट वाड्रा द्वारा कितनी ज़मीनें कौड़ी के भाव खरीदी गई जिसमें प्रियंका वाड्रा का भी नाम है, आपने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की? राज्यसभा से आपके धीरज साहू के घर में 300 करोड़ रुपए निकल आते हैं, आपने उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं खोल के रख दिया? खोलिए ना चर्चा, मैं पत्रकारिता को तब मानता हूँ जब आप किसी चर्चा पे आप बिल्कुल बोलते हो कि हम दोनों पक्ष इन नेताओं को हमने घेरना है, ये गलत करेंगे हम इनको घेरेंगे, पर आप नहीं करते। आपने एक देश में अलग तरह की आग लगाने की कोशिश की है, आपने न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी करके आपने ये कोशिश की है कि आप न्यायपालिका पर विश्वास ना करें, ये सब मैनेज हो चुके हैं, गुजरात लॉबी से मैनेज हो गए हैं, गुजरात लॉबी ने इनके ऊपर दबाव बना लिया है, क्या इनका कोई कमज़ोर पक्ष इनके हाथ लग गया है, इस तरह की टिप्पणी करना कोर्ट के ऊपर वाजिब नहीं है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, हमें कहीं न्याय नहीं मिलता, चाहे सरकार की हम बात कर लें, चाहे किसी भी चीज़ की हम बात कर लें, किसी भी उद्योगपति की हम बात कर लें, जब हमें न्याय नहीं मिलता तो हमारा पूरा भरोसा होता है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय करेगा। अगर आप उस न्याय की मूर्ति कहें या न्याय के देवता कहें, उन्हें ही कटघरे में खड़े कर देते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, क्या उनको भी आप सवालों के घेरे में खड़े कर सकते हैं? उनको भी क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? और सिर्फ उन्होंने चंद्रचूड़ जो कि CGI है उनको ही नहीं, जो पूर्व CGI रहे हैं रंजन गोगोई साहब, उन पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। उनका ये कहना है कि रंजन गोगोई साहब जैसा हाल चंद्रचूड़ साहब का होने वाला है। तो अब सवाल ये है कि आप देश के सामने किस तरह की छवि रख रहे हैं, और ये सिर्फ बात देश की नहीं हो जाती है, ये बात पूरे विश्व पटल पर भारत की हो जाती है कि भारत में भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान के हिसाब से क्या फैसले लिए जाते हैं, भारत का कानून क्या है, आप उसको ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसे इस तरह से अगर मैं बोलूं कि पत्रकार बंधु और हम लोग तो फिर भी एक बारी को हम वकालत की पढ़ाई की है हमने, हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपने कानून के देखा होगा पट्टी बंदी रहती है, वो सबूतों के उस पर चलती है,
ये नहीं कि सामने मैंने कह दिया कि भाई फलाना व्यक्ति आरोपी है और इसने पक्का किया है और मेरे कहने पर आप इसे फांसी दे दीजिए, इसको जेल भेज दीजिए, इस पर फलाना फलाना केस डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। एक तरीका है, उस तरीके के तो कोर्ट हमेशा एक तरीका, आप कई बार होता है कि 100 गुनहगार बच जाएं पर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वो ये इसीलिए कहा गया है। सामने होता है, जज को समझ में आता है कि भाई ये गलत है और उसके खिलाफ सबूत नहीं है। सबूत लाने का काम किसका था जिसने केस दाखिल किया? अगर मैं बोलता हूँ कि बाकायदा इसके खिलाफ़ अगर गौतम अडानी के खिलाफ कोई केस दाखिल हुआ उसमें सबूत होने चाहिए थे। अगर उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत दिए हैं और वो सही पाए जाते हैं तो उसमें गलत क्या है? आपके 2G मामले में भी ऐसे ही हुआ था कि इस सरकार ने उनको घेरा था कि 2G स्कैम हो गया, पर सबूत ऐसे थे जो इस सरकार में आके उनको बरी हुए हो। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सरकार बिक गई थी उस टाइम पे या इन सरकार ने उनसे मैनेज हो गए थे? कुछ ना कुछ तो पेपर का पेट तो कहीं ना कहीं से भरा गया होगा ना, किसी ना किसी तरह से तो पेपर उनके सामने रखे गए होंगे, जज साहब के सामने कुछ तो रहा होगा ऐसा जिसके कारण उनको निर्दोष साबित किया होगा। तो न्यायपालिका पे ऐसे कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से मैं समझदार व्यक्ति को, क्योंकि आम जनता को इतनी बड़ी ट्रायल समझ में नहीं आती, आप ये समझिएगा कि ट्रायल समझने के लिए पूरा आपको कानून की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो ट्रायल फॉलो हुआ नहीं हुआ। आप पत्रकार का, हमारा और आपका एक धर्म है कि हम लोगों तक छोटे से छोटे रूप में प्रॉपर चीज़ें लेके लोगों के बीच में जाएं कि इस फैसले में ऐसा क्यों हुआ और इस फैसले में क्या किस कारण से। चलिए आप, मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बोलिए गौतम अडानी को, आप किसी भी तरह से घेरिए, हमारा कोई गौतम अडानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप घेरिए, आप बोलिए ना कि ये सबूतों के अभाव के कारण गौतम अडानी को मौका मिल गया या इन सबूतों के कारण रॉबर्ट वाड्रा बचते हुए नजर आ रहे हैं आज तक, और प्रियंका वाड्रा जो है जिनके नाम पे 100 रुपये की जमीन और लाखों रुपए की बन जाती है, उस मामले को भी आप बताइए कि सबूत नहीं है, इस वजह से वो 100 की 1000 हो गई, 1000 की लाखों हो गई, करोड़ों हो गई। डिस्कस करिए ना जनता के सामने, दोनों चेहरे रखिए। आप इस तरह से दबी, मतलब मैं उनकी स्टाइल में अगर बोलूँ तो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कि CJ साहब कल रात को आए उनके घर पे कि भैया मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हूँ और मेरे दिक्कत है, मैं फैसला तो अडानी के खिलाफ देना चाहता था बट क्या करें कि गुजरात लॉबी ने मुझे घेर लिया और मुझे बोला गया कि घर से बाहर मत निकलना जब तक तुम ये फैसला नहीं दोगे। ऐसा लगता है कि दीपक शर्मा जी के घर में हर चीज़, हर चर्चा उनके सामने होती हो, हर चर्चा का वो बिल्कुल चश्मदीद गवाह हो, और इस तरह से वो टिप्पणी कर देते हैं जो कि बड़ी, मैं बोलूँ, निंदनीय है। दीपक शर्मा जी को अपनी पत्रकारिता को दोबारा से सोचना चाहिए कि किस तरह की पत्रकारिता वो करते हैं। लोगों के बीच में जाने से पहले, लोगों के बीच में अपने विचार रखने से पहले इसका क्या असर हो सकता है आम जनमानस पे? क्या वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ फॉलो करते हैं। आपको फॉलो करने वाले 3-4 लाख लोग हैं जो आपको देखते हैं, अगर उनमें से एक भी आदमी अगर ऐसा अपराधी कोई छवि का निकल आए और कोई अपराध कर दे आपकी इन बातों पे आकर, सोचिए कि आपने क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात कि 140 करोड़ की जनसंख्या, अगर आपको, जैसा कि आपने कहा कि 2-3 लाख लोग भी अगर देख रहे हैं, अगर उनमें से ही 2-3 लाख लोगों ने इन्हें फॉरवर्ड कर दिया और ये जो वीडियो है वो और ज़्यादा शेयर होती गई, तो आप सोचिए कि किस तरह की नेगेटिविटी देश में फैलेगी। जो आज तक विश्वास करते आए हैं संविधान पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, कानून पर, उनका तो विश्वास ही हट जाएगा कि जब CJI जैसा व्यक्ति पर आरोप इस तरह के लगाकर उन्हें कटघरे में आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आम व्यक्ति को कैसे इंसाफ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, ऐसे पत्रकार किसी भी तरीके से बस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढ के लेके आते हैं, नेगेटिविटी पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी शायद हो सकता है कि रोजी रोटी ऐसे ही चल रही हो सकता है कि विपक्ष ने कुछ कहा हो इन्हें। यही तो बड़ी दिक्कत है कि ये लोगों को ना सिर्फ अपने व्यूज़ और इनके ऊपर ही इनकी रोजी रोटी चल रही है। मैं एक वाक्य मुझे याद है, पत्रकार को, पत्रकार की साइकिल पे स्टैंड भी नहीं होता और कैरियर भी नहीं होता। अगर वो कैरियर लगाने जाएगा तो दिक्कत में आएगा, क्योंकि कैरियर लगाने के लिए उसको कहीं ना कहीं करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और स्टैंड लगाएगा तो समझ लीजिए उसने अपने विराम दे दिया, ऐसा कुछ कहा जाता है पत्रकारिता के। और इन लोगों ने वो कैरियर भी लगा लिया, स्टैंड भी लगा लिया, और
YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से ये लोग खूब लाखों में कमाने लगे हैं। अब इनको किसी चैनल की आवश्यकता नहीं है, जहाँ ये चैनल पे अपनी बात को रखें। मैं तो बोलता इनको मौका मिला था लोगों के बीच में दोनों पक्ष की बात रखने का। आप अपनी पत्रकारिता खुद तो देखिए, मैं इनके जुड़े लोगों को बोलता हूँ कि आप इनकी एक तरफा बात को क्यों सुन के चलते हैं, आप दोनों पक्ष को सुनिए। मैं नहीं बोलता कि आप दीपक शर्मा के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाओ, कई बातें दीपक शर्मा जी सही भी बोल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, पर जिस दिन भी उन्होंने सही बोला उनके उस दिन व्यूज़ नहीं आए। ये दीपक शर्मा समझ गए हैं, रवीश कुमार समझ गए हैं, और इनके और दो तीन मित्र बंधु और हैं जो ये बात जानते हैं कि जितना हम जहर घोलेंगे हमारे घर में पैसा आने वाला है। ये राम से भी इनको परहेज है। मैं कहूँ तो ये हिंदू अपने शर्मा लगाते हैं, पंडित हैं ये, इनको राम से भी परहेज है। तो सोचिए कि जब इनको राम से ही परहेज है, आप बोलिए राम, इसके ऊपर बोलिए कि राम मंदिर का आपको आप इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मुझे समझ में आता है, पर राम पर भी इनको परहेज है ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक वाक्य छोटा सा काजुल आपसे डिस्कस करूँगा कि राम शब्द में अपने आप इतनी बड़ी बात है कि बोलते ना एक समूह में कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति आके अगर आपको नमस्कार करना चाहे तो इंडिविजुअली नमस्कार करने में समय लग जाएगा, जहां वो कहता है कि नमस्कार 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 इस तरह समय लगता है, और वो कहता है राम राम जी, सबको राम राम कहता है। तो राम नाम का इतना बड़ा काम है कि समझ लीजिए कि सबको राम राम हो गई और सब ने वो राम राम ले लिया और सब ने कह दिया राम राम। तो राम राम में वो ताकत है, पर क्या कहें इनको, क्योंकि इनके व्यूज़ नहीं आएंगे इससे। दीपक शर्मा जी हो गए आपके, बाकी इनके अभिषार शर्मा हो गए और भी कई पत्रकार, मैं इनके नाम इतने बार ले चुका हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इन लोगों को क्या कहा जाए। इतना परहेज मत करो भाई, तुम घर से तिलक लगाते होंगे, घर में तुम लोगों ने अगर मूर्तियाँ नहीं रखी हैं तो मुझे बताएं कि आप भगवान नहीं मानते हो। तो अपने धर्म को तो कम से कम बचा लो, अपने धर्म में बचाने में क्या दिक्कत है। और धर्म जो है हमारा बचाने के लिए हमारे उच्च न्यायालय भी बैठे हैं, उन्होंने अगर राम मंदिर का निर्णय दिया और राम मंदिर बनना चाहिए और सरकार को निर्देशित किया कि आप राम मंदिर का निर्माण करें, तो अब क्या उच्च न्यायालय पे फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बिल्कुल, तो ये सिर्फ अपने व्यूज और इसके चक्कर में देश को बांटने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। सारे फैसले बीजेपी के सही नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरे को तो सिर्फ इतना दिखता है कि मेरे को जो अच्छी रोड है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, अगर वो हैं, आम आदमी को ये चाहिए। पेट्रोल महंगा है, मैं खिलाफ हूँ, सब्जियां महंगी है, मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। आप इन चीज़ों के खिलाफ बोलिए कि भाई फलाने फलाने कैलकुलेशन के तहत ये पेट्रोल आज की डेट में इतनी कीमत होनी चाहिए थी, ये सब्जियां आज के रेट में इतनी होनी चाहिए थी, किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए था, गन्ने का मूल्य 2 साल में पेमेंट होती थी, आज 6 महीने में होनी चाहिए थी, इसका तरीका ये हो सकता था। पर आप एक पक्ष रखते हुए, आप हमेशा एक पक्ष रखते हुए बात करते हो तो ये गलत है। लोगों के बीच में पत्रकार का धर्म ये है कि आप एक प्रॉपर मैसेज पहुँचाएँ, प्रॉपर एक कैलकुलेशन पहुँचाएँ, जिससे लोगों के समझ में आए कि क्या ये महंगाई हुई तो किस कारण हुई, क्या महंगाई के साथ साथ आय नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी, और आय अगर नेताओं की बढ़ी है किस कारण बढ़ी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, वो विपक्ष का हो, पक्ष का हो, किसी का भी हो, उससे चर्चा होनी चाहिए, उससे बात होनी चाहिए कि आय दुगने करने की आपने बात कही थी, आय आपकी आपकी किसकी दुगनी हुई है, आम जनता की दुगनी हुई है या वो 5 साल में जब अपना पर्चा भरता है नेताओं की आय दुगनी होती है, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए था, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। ये इन चीजों, इन मुद्दों पे दीपक शर्मा जी को, अजीत अंजुम जी को, रवीश कुमार जी को, अभिषार शर्मा को, कोई घटना अगर घटती है देश में वो निंदनीय है, वो बिल्कुल होनी चाहिए, पर हर बात के लिए मौसी को जिम्मेदार ठहराना बंद करें, हर बात के लिए मौसी पे ही वो करने का काम बंद करें कि मौसी ही खराब है। अरे कभी अपनी माताओं से ही पूछ लो कि क्या शिक्षा सही दी है आपको, जिनके आप गुणगान करते हो, जिनके जिनके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो कि उनकी सरकार बने तो शायद आप लोगों का भला हो। हम तो बोलते हैं किसी की भी सरकार बने देश हित में होनी चाहिए और लोगों के बकायदा वोट से होनी चाहिए।
इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो दीपक शर्मा जी को फिर से सोचने की आवश्यकता है, करें अपनी पत्रकारिता करें, और उनसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, शायद समझ भी पाएंगे कि कब तक ये व्यूज़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज की रोजी रोटी तो इससे चल जाएगी, पर कल भविष्य देश का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा अगर इस तरह से देश में कोई आग लगाने का काम करेंगे। तो जैसे कि हमने आज दीपक शर्मा जी के ऊपर और इन सब के ऊपर वीडियो के ऊपर बात करी, क्योंकि हमें लगा कि CGI के ऊपर अगर बात हो रही है, उच्च न्यायालय के ऊपर अगर बात हो रही है, तो हमें इंटरव्यू करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं, अभी भरोसा है उच्च न्यायालय पर, हमें भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है, उनका भरोसे को डगमगाने की कोशिश ना करें। दीपक शर्मा जी, आप अपने विचार अपने अंदर तक रखें और अपने तक ही रखें, आपके आपकी आपकी आज़ादी आपकी नाक तक सीमित है, उस आज़ादी से बाहर ना निकले, और उसके आगे देश भी है, आपकी आपकी जहां आप खड़े हैं वहीं तक आप आज़ाद हैं। और इसके अलावा पत्रकारिता पर लोग आज भी भरोसा करते हैं, तो ऐसी पत्रकारिता ना करें कि लोगों का विश्वास पूरी तरीके से पत्रकारिता पर से उठ जाए।